नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 डेसिमल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इन दैट व्हिच इज ग्रेटर। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है व्हिच इज ग्रेटर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है, दैट इज 0.3 और 0.4। ओके, तो आपको ये बताना है कि कौन, यस, तो आपको किस तरह से बताना है, इस तरह सबसे पहले आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले होल नंबर को देखना है। होल नंबर यहाँ पे क्या है, जीरो, और यहाँ भी होल नंबर क्या है, जीरो। अच्छा ठीक है, ये सेम नंबर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके बाद अब आप नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे आफ्टर डेसिमल, फर्स्ट डिजिट। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब यही डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा। तो हमने तुरंत लिखा 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3, यही आपका आंसर हो गया, आपको कुछ करना नहीं है, दिस इज द आंसर। इसी तरह से आप नंबर लाइन से भी बता सकते हैं, नंबर लाइन सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, दिस इज द नंबर लाइन एंड ईच पार्ट, मान लो यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो ये 0 है और ये 1, और आपको अच्छे से पता है कि ये प्लेस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 पार्ट हो गए। तो ये पार्ट आपका क्या लिखा जाता है, 0.1, और दूसरा वाला क्या लिखा जाता है, 0.2। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका होता है 0.2, तो आप 0.2 लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट आपका होता है 0.3, तो आप 0.3 लिखेंगे। ये पार्ट हो गया 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और ये 0.9, और ये हो जाएगा 1.0, मीन्स 1 ही कहा जाएगा। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, राइट हैंड साइड आपका ये है RHS, और लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर होता है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा नंबर छोटे होते हैं, इधर आपके स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उधर सभी नंबर बड़े होंगे। तो देखो यहाँ 0.3 है और ये 0.4 है, 0.4 आपके 0.3 से राइट हैंड साइड की तरफ है, तो राइट हैंड साइड की तरफ वाले सभी नंबर बड़े होते हैं, मींस ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन से भी आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज 0.07 एंड 0.02। तो ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख लिया पार्ट नंबर बी, एंड पार्ट नंबर बी इज 0.07 और 0.02। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, फिर वही काम करना है, फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व होल नंबर, सबसे पहले होल नंबर को ऑब्जर्व करना है, ये नंबर, तो ये दोनों सेम है तो पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। फिर ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट पे पहुंचेंगे, इस नंबर को ऑब्जर्व करना है, ये नंबर भी सेम है तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा। इसके बाद आप सेकंड डिजिट पे जाएंगे,
तो सेकंड डिजिट में आपने देखा कि यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 और 7 में 7 बड़ा होता है, तो यही नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो आप लिखोगे 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन लिख लिया। मान लीजिए इस बार हमने क्वेश्चन लिखा है 3 और 0.8, ये सी पार्ट है, और दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे लिखा है डी पार्ट। तो डी पार्ट की विषय में बात करते हैं। पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी 0.5 और 0.05, हमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम होल नंबर देखेंगे, दिस इज द सेम, इसका मतलब यहां से पता नहीं चलेगा। फिर आप फर्स्ट डिजिट आपका क्या है, जीरो, तो 0.5, ये 5 बड़ा है, 0 छोटा है। तो अगर 5 बड़ा है तो फिर आपको नेक्स्ट डिजिट पे नहीं जाना है, यहीं से पता चल गया 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रूल है, आपको डिजिट बाय डिजिट ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। अब मान लीजिए हमने इसी का ई पार्ट लिख लिया, ठीक है, या फिर हमने एफ पार्ट लिख लिया। एफ पार्ट आपको बताते हैं, पार्ट नंबर एफ, एंड पार्ट नंबर एफ इज गिवन दैट 0.099 और अभी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.19, क्या होगा आंसर बताइए। हाँ गलत हो गया, ठीक है, क्यों गलत हुआ चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे जीरो सेम है तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे जीरो जी, यहाँ भी जीरो है लेकिन यहाँ वन है, ठीक है, तो ये जीरो तो छोटा होता है, वन बड़ा होता है। तो अब आपको नेक्स्ट डिजिट पे नहीं जाना है, यही पता चल गया कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आपका ये वन बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099, मींस ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। कभी भी हम ये इस तरह से नहीं बताएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख दिए, दो नंबर लिख दिए, लेट एक नंबर मैंने लिखा 0.7 और एक नंबर लिखा हमने 0.01879285। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आप ये बड़ा, यस, ये नहीं देखना है कि ये बहुत लंबा लिखा है तो ये बड़ा हो गया, नहीं, आपको डिजिट से देखना है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो पता नहीं चल रहा है कौन नंबर बड़ा है, यहाँ तो सेम ही लग रहा है। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद भी फर्स्ट डिजिट देखेंगे, तो यहाँ डेसिमल के बाद 7 है और यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, जीरो। तो 7 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, इसीलिए 0.7 आपका ग्रेटर होगा। 0.7 इज ग्रेटर देन 0.01879285, मतलब ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि ये बहुत लंबा नंबर लिखा तो ये बड़ा हो गया, नहीं, हम यहाँ पे डिजिट वाइज ऑब्जर्व करेंगे तब हम बता पाएंगे कि ये नंबर छोटा है या फिर बड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, एच, इसका एच पार्ट लेते हैं। तो एच पार्ट में क्या दिया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, पार्ट नंबर एच। तो पार्ट नंबर एच को किस तरह से आपको करना है, आओ देखते हैं। पार्ट नंबर एच की बात है यहाँ पे, सो पार्ट नंबर एच इज गिवन हियर,
1.431 और दूसरा है 1.490। तो अब देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1, तो यहाँ भी 1 है, तो ये सेम हुआ। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे 4 और यहाँ भी 4 है। इसके बाद यहाँ तक भी ये नंबर सेम हुआ। फिर इसके बाद में फिर देखेंगे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। अब यहीं से पता चल जाएगा, आगे आपको नहीं जाना है। तो आगे नहीं जाना है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको पता चल गया दिस इज द 9, 9 इज द ग्रेटर देन 3, 9 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431, ये आपका नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बता पाएंगे। अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जे पार्ट इसका लिखा, पार्ट नंबर जे, या फिर पहले पार्ट नंबर आई बता देते हैं। आई में क्या करना है, पार्ट नंबर आई इज गिवन दैट 3.3 और 3.300। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हमने देखा 3 सबसे पहले होल नंबर सेम है, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे तो यहाँ भी आपका सेम है, ये भी आपका नहीं पता चला कौन सा है। इसके बाद फिर यहाँ 0 लिखा है और 0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। 0 कैसा होता है, मीनिंगलेस, डेसिमल के बाद 0 मीनिंगलेस होता है। तो इसमें कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर छोटा नहीं है, बोथ आर इक्वल। तो आप लिखोगे हियर 3.3 जस्ट इक्वल टू 3.300, ये दोनों नंबर सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये नंबर आपका सेम होगा। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल, क्योंकि आप यहाँ भी कई सारे जीरो पुट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप 3 0 पुट कर लो तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर जे देखिए, पार्ट नंबर जे इज गिवन हियर 5.64 और अगला नंबर है आपका, हाँ बताइए बताइए क्या होगा, बताइए। यस सही बताया, सही होगा, 5.64 ही बड़ा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा ये 5 बड़ा, ये सेम है, तो यहाँ से पता नहीं चला। फिर हम 6 यहाँ पे इस डिजिट पे आ गए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ तक ये नंबर सेम है। इसके बाद फिर इस 4 पर आएंगे, तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 4 बड़ा है 0 छोटा है, तो इसका मतलब हुआ 5.64 आपका बड़ा होगा और 5.603 स्मॉलर नंबर होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी नंबर को ये देख के आप छोटा बड़ा नहीं बताओगे कि ये लेंथी लिखा हुआ है और ये छोटा सा लिखा है, तो छोटा सा है तो ये छोटा हो जाएगा, नहीं। हमेशा डिजिट का ऑब्जर्वेशन करके ही आप बताओगे कि इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, मेक 5 मोर, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा मेक 5 मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। तो अब इसके लिए आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से नंबर लिखेंगे, आपको अपने मन से लिखने हैं। तो कोई भी अपने आप लिखोगे 5 मोर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेक 5 मोर का मतलब आपको अब 5 एग्जाम्पल यहाँ लिखने हैं। तो आपने नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ए लिख लिया या फर्स्ट लिख लिया, जो भी आपका मन करेगा वो चीज आप लिख लेंगे। तो आपको फर्स्ट लिखना था तो आपने यहाँ फर्स्ट लिख लिया। आप फर्स्ट लिखने के बाद जो आपका मन करे वो आप नंबर यहाँ पे लिख लो, जो मन करे।
तो आपने मन किया कि यहाँ पे लिखा एक नंबर 7, ठीक है, 7 point, फिर आपने यहाँ पे लिखा 1, फिर आपने यहाँ पे लिखा 0, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 5, और दूसरा नंबर आपने लिखा यहाँ पे 7, और फिर आपने यहाँ पे आपका मन किया कि यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये मन आपका किया तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब ये नंबर लिखने के बाद आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है, तो वही काम फिर से करना है, ये सेम है तो इसका मतलब यहां से पता नहीं चलेगा। इसके बाद फिर इस डिजिट पे आ जाएंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहीं से पता चल गया कि यहाँ पे 1 है और यहाँ 2, 2 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, 7.234 इज ग्रेटर देन 7.105। तो आपने ये आंसर बता लिया, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड वाला यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा, ठीक, माइक्रोफोन ऑन करिए और हमें बताइए 0.7। दूसरा वाला 0.7 097, ओके 097। चलिए देखिए, इन्होंने ये नंबर बताया, अब यहीं से आपको बताना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो आपने यहाँ पे देखा ये 0 है और यहाँ भी 0 है, तो सेम ही हुआ। इसके बाद फिर आप इस डिजिट पे आएंगे तो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, तो 7 तो बड़ा हुआ, 0 तो छोटा हुआ, तो यहीं से पता चल गया कि ये नंबर बड़ा है। तो आप तुरंत लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर देन 0.097, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है, इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, अनमोल, अनमोल नेक्स्ट एग्जांपल बताओ, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है। माइक्रोफोन ऑन करिए, फोन ऑन करिए, बताइए कोई भी एक एग्जांपल बताइए। 0.9, 0.99, दूसरा नंबर बताइए, 0.98, 0.98, ओके, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है, तो यहाँ पे देखिए 9 है, सबसे पहले 0 देखा तो ये सेम है, इस वाले फर्स्ट डिजिट को देखा तो ये भी सेम है, नहीं पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब थर्ड सेकंड डिजिट पे आएंगे तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 8 है, तो 9 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है, इसीलिए ये नंबर आपका 0.99 बड़ा हो जाएगा, 0.98 छोटा होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू अपने आंसर कुछ भी नंबर लिखेंगे जो आपका मन करेगा और उसका आंसर बता देंगे। तो बाकी के 2 और बचे हैं, ये 2 आप अपने मन से सभी बच्चे लिखेंगे कॉपी में और उसका आंसर बता, बोती बोलिए। ओके, 0.3 और 0.093, ये आपने नंबर बता दिया पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पहला 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये सेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो ये डिफरेंट है, यहीं से पता चल गया 3 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, तो इसका मतलब ये बड़ा 3 बड़ा है, तो यही नंबर आपका ग्रेटर हो गया, मींस 0.3 इज ग्रेटर देन 0.093, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब आप, हाँ एक बात बोलिए, बताइए बताइए,
ये बताइए, बोलिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ पूछिए। हाँ वो चीज बाद में पूछ लीजिए, पहले क्वेश्चन हो जाने दीजिए। क्या बता रहे हैं? 1.1 पॉइंट बोलिए। हाँ वन पॉइंट क्या बताया? वन पहले पूरा होने दीजिए। 1 पॉइंट हाँ बोलिए 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 बताइए। हाँ 0.1 और बताइए 9। हाँ और फिर इसके बाद हाँ 0.3। हम लोगों ने देखना इस ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये जीरो है, ये जीरो है, इसके बाद ये वन है और यहाँ पे थ्री है। यहीं से पता चल गया ये वन है ये थ्री है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। तो 0.3 इज ग्रेटर देन 0.19, यही इसका आंसर हो गया। सो डियर, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।